हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। आज मैं आपके सामने अलसी के लड्डू की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। अलसी या फ्लैक्स सीड्स, इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और काफ़ी सारे गुणों से भरपूर होती है, और इसमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल अलसी ली है या फ्लैक्स सीड्स, और यहाँ पर हमने एक बाउल भर के गेहूँ का आटा लिया है और 200 ग्राम घी लिया है जो हम लड्डू बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अलसी को एक कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। जब अलसी भुन जाएगी तो ये फूल जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। भुनने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा जो आप देख सकते हैं। इसको हम मैंने यहाँ पर 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही भूना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। अब हमने जो आटा लिया था उसको भी कढ़ाई में डालकर लाल होने तक भून लेंगे। आटे को भी हम मीडियम गैस पर ही भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा लाल ना हो जाए। पहले हम इसे थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तब हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी डालेंगे। जो हमने 200 ग्राम घी लिया था उसी घी को हम पूरे लड्डू बनाने में यूज़ करेंगे। घी डालकर हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि लाल ना हो जाए। इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। जब आटा कुछ इस तरह से दिखने लगे, मतलब कि ये भुन गया है, तब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारी अलसी भी ठंडी हो गई होगी। तो हम इसको मिक्सर के जार में डाल के पीस लेंगे। अलसी को हमें इस तरह से पीस लेना है। अलसी को पीस कर रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले से कट कर लिया है और यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। लड्डू में शुगर की जगह हम गुड़ का यूज़ करेंगे। कटे हुए पिस्ता लिए हैं, कटे हुए बादाम लिए हैं, कटे हुए काजू और थोड़ी सी गोंद ली है, और यहाँ पर हमने पोस्ता दाना लिया है, खसखस। आप चाहें तो जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं लड्डू में, और ये कटे हुए मखाने लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको हम घी में तल लेते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को घी में तल के या फिर आप ड्राई रोस्ट करके लड्डू बनाने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे और इसमें हमने जो मखाने को कट करके रखा था अभी हम मखाने को भून लेंगे। मखाने को हम धीमी धीमी गैस पर तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़े से क्रिस्पी और लाल हो जाएंगे। तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम और घी डालेंगे और जो हमने गोंद ली थी गोंद को भी अच्छे से घी में भून लेंगे। गोंद को जब हम घी में डालेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएगी और इसे हमें अच्छे से धीमे धीमे आंच पर भून लेना ताकि ये अंदर से भी भुन जाए, नहीं तो जब हम ये लड्डुओं में डालेंगे तो ये दांतों में चिपकेगी, इसलिए हमें गोंद को अच्छे से भून लेना। इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में घी बाकी है अभी, हम इसी में जो कटे हुए काजू लिए थे इनको भी घी में अच्छे से तल लेंगे और इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे। जब दोनों चीज़ें थोड़ी सी लाल हो जाएंगी फिर हम इसमें कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तो हमने इसमें जो हमने पोस्ता दाना लिया था इसको भी डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, अब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को चम्मच से निकाल लिया, बाकी थोड़ा सा घी और पोस्ता दाना रह गया। इसमें हम थोड़े से मखाने जो हमने भून के रखे थे उसको डालकर हम निकाल लेंगे ताकि जो पोस्ता दाना कढ़ाई में रह गया वो भी निकल आए। ड्राई फ्रूट्स को तल कर रेडी कर लिया है और हमने जो गोंद को भून के रखा था आप चाहें तो इसे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं या फिर किसी मैसर से इसको मैश कर लेंगे ताकि वो इस तरह से हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में 4 से 5 टेबल स्पून घी डालेंगे। जो बाकी बचा घी रह गया था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसमें से थोड़ा सा घी बाकी रह गया, उसमें हम जो हमने गुड़ लिया था उसको डाल के धीमी धीमी गैस पर पिघला लेंगे। गुड़ को हमें धीमी धीमी गैस पर ही पिघलाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। जब गुड़ पिघल जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे।
अभी गुड़ अच्छे से पिघल गया है, हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर गुड़ को घी में पिघलाया है। कुछ लोग इसमें गुड़ में थोड़ा सा 3-4 टेबलस्पून गुड़ में पानी डालकर गुड़ को अच्छे से बॉयल करके लड्डू बनाते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको घी में ही पिघलाया है। यहाँ पर सारा सामान रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम गुड़ में अलसी डाल देंगे और जो हमने आटे को भून के रखा था अब इसमें हम आटा डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। कढ़ाई गर्म होगी इसलिए हम इसको मिक्सचर को हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, जिसमें हमने मेवा भून के रखी थी उसी में हम सारा मिक्सचर डालेंगे ताकि हम मेवा को भी लड्डू के साथ अच्छे से मिला लें। अब हम इसको जो हमने मेवा निकाल के लगी रखी थी उसी प्लेट में मिला लेंगे, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है इसमें हम अच्छे से मिला सकते हैं और इसे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के लड्डू के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। जो मैंने आपको बीच में बताया था कि अगर हम चाहें तो गुड़ को, अगर आपको ज़्यादा घी के लड्डू नहीं बनाने हैं तो गुड़ को घी में के बजाय पानी में पिघला सकते हैं। गुड़ को अगर हम पानी डाल के पिघलाते हैं तो हमें गुड़ को अच्छे से बॉयल होने देना है ताकि लड्डू हमारे अच्छे से बन सके। जैसे हमने घी में बस जस्ट इसको गर्म ही किया है, अगर हम पानी में करते हैं तो इसे अच्छे से बॉयल होने देना है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें लड्डू को इस तरह से बनाना है, हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए हम लड्डू को तैयार कर लेंगे। इस तरह से दबा दबा कर हम लड्डुओं को बनाएंगे तो हमारे लड्डू टूटेंगे नहीं। इसी तरह से हम बाकी बचे लड्डुओं को भी बना लेंगे। मिक्सचर को हमें इस तरह से दबा कर रखना है, हमें बस थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और लड्डू बनाना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा मिक्सचर तो हमें लड्डू बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, इसलिए मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू बनाते टाइम हमें बस एक बात का ध्यान देना होगा, जब तक लड्डू का मिक्सचर गर्म रहेगा तो हमें लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इसलिए हम इन्हें फटाफट से बना लेंगे। अगर इनके इस मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो हम इसे थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर गैस पर गर्म कर लेंगे या फिर इसे माइक्रोवेव हम 10 से 15 सेकंड के लिए करके फिर से लड्डू बना सकते हैं ताकि गुड़ पिघल जाएगा और हमें लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से हमारे हेल्दी लड्डू बनके तैयार हैं। वैसे तो ये लड्डू ठंड के मौसम में ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, अगर हम इन्हें थोड़ा सा गर्म मौसम हो तो इसमें हम अलसी की मात्रा कम कर दें और आटा है जो वो थोड़ी मात्रा ज़्यादा कर दें, फिर हम इन्हें किसी भी सीज़न में खा सकते हैं।